देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें यहां से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। अरे इस सुंदरी के हाथ में जो कुछ भी है उसका एक घूंट पान करने में कोई समस्या नहीं है। यदि आपको यहां से लौटा देते तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। आपने उचित कहा था कि वास्तविक अमृत तो ये है, ये मदिरा, ये सौंदर्य, ये नृत्य, ये आनंद, ये मदिरा। तो आज से भक्ति नहीं, भोग होगा, मदिरा का भोग। आज से यहां पर चरणामृत पान नहीं होगा परंतु मदिरा पान होगा। त्रिपुरासुर की रक्षा करने वाली आपकी भक्ति की ढाल अब नष्ट हो चुकी है पिताश्री। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अधर्म के प्रति है उनकी वास्तविक भक्ति। तो प्रभु, इसके पूर्व कि उनकी असुर सेना जीवित हो, उनके पूर्व सीधी रेखा से बाहर आए और असुर सहस्त्र वर्षों तक सर्वत्र विनाश करें, उनका अंत कर दीजिए। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम पूभा जी। प्रणाम मामा जी। महादेव, गणेश ने बड़ी ही चतुराई से समय रहते उनका सत्योजागर किया है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाता। विलंब तो अभी भी हो रहा है, इसीलिए समस्त देवी देवताओं की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं महादेव कि इस असुर उपद्रव को उत्पन्न होने से पूर्व रोक दीजिए। महाकाल कालम कृपालम बम भोले। जग के हित में गरल पान करने वाले शत शत बार नमन शंकर भोले भाले। किंतु पापी दंभी हिंसक अन्यायी कैसे हो सकता है शिव का अनुयायी। ऐसे शत से जग को मुक्ति दिलवाए इस पापी के काल स्वरूप में आ जाए। निर्गुण निर्विकल्पम् बम 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 भोले। महाकाल कालम कृपालम बम भोले। स्वाहा स्वाहा।
मदिरा लाओ सुंदरी, मदिरा और मदिरा पिलाओ, पिलाओ आनंद सुंदरी, अति आनंद नृत्य करो, क्या नृत्य वाह आनंद, क्या नृत्य अति आनंद, मदिरा पी के नृत्य देखने का आनंद अद्भुत होता है, वाह डालो मदिरा, वाह सुंदरी वाह, और मदिरा पिलाओ और नृत्य करो। मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हुआ। महादेव पुत्र श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का अचूक वार किया है इन तीनों दुष्टों पर। त्रिपुरासुर का वास्तविक चरित्र स्पष्ट हो गया है। उनका कुटिल अभिप्राय भी अब किसी से छिपा नहीं। गणेश के प्रयासों से त्रिपुरासुर का सत्य उजागर हो गया है, इसलिए उनका अंत करने को तत्पर हूं मैं, तत्पर हूं मैं। इसके लिए मुझे वो बाण चाहिए, जो बाण बाण ना हो, और वो बाण उस धनुष से चले, जो धनुष धनुष ना हो, और महादेव ऐसा उस रथ पर आरूढ़ होकर करे, जो रथ रथ ना हो। ये सभी कौन प्रस्तुत करेगा? पिताश्री, मैं प्रस्तुत करूंगा। पुत्र, ऐसा रथ धनुष और बाण कहाँ ढूंढोगे तुम? मैं समझ गया, जो रथ रथ ना हो उस रथ का निर्माण कैसे होगा? माँ, जिस प्रकार सूर्य देव के रथ में लगे अश्व केवल अश्व नहीं अपितु ऊर्जा के सात रंग के प्रतीक हैं, तथा गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये सात छंद अश्व हैं। उसी प्रकार पिताश्री का रथ भी रथ नहीं होगा, अभी तो स्वयं देवता होंगे। नमो नमः गणपति, नमो नमः, नमो नमः। और देवताओं के इस रथ का निर्माण करने के लिए मुझे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ और कुशल शिल्पी विश्वकर्मा जी की सहायता चाहिए होगी। मैं प्रस्तुत हूँ गणेश जी, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। उचित है, फिर सभी का आशीष लेकर हम रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं। में यह कोलाहल कैसा?
और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? अवश्य ही गणेश का छल है ये। मुझे यज्ञ को शीघ्रता से संपन्न कर असुर सेना जागृत करनी होगी। त्रिपुर की रक्षा का मात्र यही उपाय है। ओम भ्रीम ब्राम त्रीम त्राम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे पार्वती नंदन गणेश, मैं विश्वकर्मा देवशिल्पी होकर भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि धनुष बाण और रथ का निर्माण हम कैसे करेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हो भी और ना भी हो, यह कैसे संभव है? हमारी बुद्धि और निपुणता ये संभव कर देगी विश्वकर्मा जी। हम ऐसे सर्व देवों में रथ का निर्माण करेंगे जो रथ नहीं है। सर्व देवों में रथ? हाँ विश्वकर्मा जी, वो रथ जो सर्व लोकमय और सर्व भूतमय हो, जिसके दाहिने चक्र में स्वयं सूर्य देव और रथ के चक्र की तिल्लियों में 12 आदित्य विराजमान हो। रथ के बाएं चक्र में चंद्रमा हो और उसकी 16 तिल्लियों में चंद्रदेव की 16 कलाएं बसेंगी और सभी नक्षत्र भी रथ के चक्र के साथ साथ चलेंगे। रथ का अग्रभाग हो। मेरे पिताश्री महादेव के भार को मंदराचल के अतिरिक्त कोई नहीं संभाल सकते, इसलिए रथ के बैठने के स्थान पर मंदराचल हो। आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ अपने नारी रूप में रथ पर स्थित होकर चंवर डुलाएंगी। चारों वेद उस रथ के चार अश्व होंगे। वायुदेव रथ के आगे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। ब्रह्मदेव रथ के सारथी होंगे, ओंकार उनके चाबुक बनेंगे और आकार रथ का छत्र बनेगा। संवत्सर रथ का वेग और मुहूर्त उसकी रस्सी होंगे। स्वर्ग और मोक्ष रथ की ध्वजा। कामधेनु और ऐरावत की पत्नी अब्राहमु रथ के जुए के अंतिम छोर पर स्थित होंगे और पंचभूत इस रथ के बल बनेंगे। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, उस रथ का निर्माण हो गया ना जो रथ नहीं है। आपकी बुद्धि और आपकी कल्पना अतुलनीय है, अद्भुत है प्रभु। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। आइए अब हम धनुष का निर्माण करते हैं। न
नाना जी शैलराज हिमालय धनुष का ढांचा बने और श्रीहरि नारायण के शैया शेषनाग जी उसकी प्रत्यंचा। प्रस्तुत हो गया ना विश्वकर्मा जी, जो धनुष नहीं है। अब बाण, त्रिपुर को नष्ट करने वाले बाण, स्वयं जगत के पालनहार मामा जी नारायण हो। और सभी अपवित्रताओं को मिटाने वाले अग्निदेव बाण की नोक बने। तो देखा विश्वकर्मा जी, निर्माण हो गया ना बाण, जो बाण नहीं है। अब इनको पिताश्री के पास ले चलते हैं। त्रिपुर के संहार को लगाए अद्वितीय अद्भुत सा एक रथ बनाए हिमालय व शेष नाग से बना धनुषा श्री विष्णु स्वयं बाण बन गए विशेषा रथ बाण धनुष सुमुख शिव को प्रदाया अवसर ये उचित धर्म युद्ध हेतु आया त्रिपुर हो पराजित ये सब मन में ठाने क्या होगा परिणाम शंभु ही जाने। पिताश्री, प्रस्तुत है वो रथ जो रथ नहीं है, वो धनुष है ये जो धनुष नहीं, और ये लीजिए वो बाण जो बाण नहीं। ब्रह्म स्वाहा।
ओम प्रीम त्राम भ्रीम भ्राम स्वाहा। व्यक्ति यदि सच्चे मन से और दृढ़ता के साथ प्रयास करे तो सफलता के मार्ग एवं साधन मिल जाते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।